अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आतिफ शहजाद, देखें अभी मैं लेफ्ट हो रहा हूँ PWD इंटरचेंज से। ट्रकों के ट्रक हर जगह यहाँ छड़े हुए। ये देखें जी, ये जो आपको पता ही है PWD जो नई रोड बनी थी, इंटरचेंज बना है, काफ़ी सुकून हो गया, काफ़ी बेहतरी हुई है इससे। यहाँ से मैं चलूँ और लेफ्ट होके PWD से अगर एंटर होके मैं निकल जाऊं कोरम टाउन पे, तो आज का विजिट है कोरम टाउन इस्लामाबाद। और आपको बस एक छोटा सा स्ट्रीट व्यू कराते हैं, कोरम टाउन दिखाते हैं, उसके घरों के रेट और प्लॉट के रेट्स बताते हैं। फैसिलिटियां सारी अवेलेबल है कोरम टाउन, एक अच्छी रेटिंग मेरी तरफ से, एक अच्छी रेटिंग वाली सोसाइटी है कोरम टाउन। पानी, बिजली, गैस, सिक्योरिटी, चारों चीज़ें ठीक हैं। स्ट्रीट ठीक से ठीक है, ओपन खली अच्छी स्ट्रीट्स हैं और ठीक है, अच्छी सोसाइटी है, छोटी सी सोसाइटी है, अच्छी सोसाइटी है। फेडरल एम्प्लॉय कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, फेडरल एम्प्लॉय के अंडर है ये। और सोसाइटी अपना लेटर देगी, मैप जो है CDS से अप्रूव होगा। ये मैं आ गया PWD रोड पे, सामने वाला रास्ता बंद है, वरना ये सामने सीधा रास्ता निकलता है पाकिस्तान टाउन, कोरम टाउन, जुमा बाजार। लेकिन मैं यहाँ से लेफ्ट हो जाऊँगा क्योंकि अभी ये बंद किया गया है ड्यू टू सम कंस्ट्रक्शन, और कोई रोड कंस्ट्रक्शन कुछ इस रीज़न की वजह से। दिस इज़ PWD, पाक PWD एम्प्लॉयज कॉपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का ये सारा कमर्शियल एरिया, ये डबल रोड, ये PWD के अंडर है। और यहाँ पे तो भाई इसका भी कभी मैं आपको विजिट कराऊँगा, ब्रांड्स, शॉप्स, रेंट, प्लाजे, कमर्शियल, बैंक्स, सब कुछ कमर्शियल मार्केट, रावलपिंडी और सदर F7, इनका ये रिकॉर्ड तोड़ती है PWD, ये जो कमर्शियल एरिया है डबल रोड PWD, मेन डबल रोड PWD। यहाँ से राइट हो जाते हैं, इस PWD आगे तक जाती है, आगे मीडिया टाउन आएगा और भैरिया का रास्ता जाएगा, लेकिन हमने यहाँ से राइट हो जाना है और वहाँ से लेफ्ट एक रास्ता जाएगा उसको कोरम टाउन का, और हमने कोरम टाउन चले जाना है। तो इसी ब्लॉकेज आ गई है, देखें जी, शॉप्स देखें, ब्रांड्स देखें। एक वक्त था 2015-16 में कई ब्रांड्स यहाँ से PWD से चले गए थे ड्यू टू हाई रेंट और काम इतना नहीं था, लेकिन अब ये PWD, पाकिस्तान टाउन, कोरम टाउन, मीडिया टाउन, ऐसे छाए हैं, इतनी मूवमेंट हुई है इस तरफ, इतनी इधर जो है ना, अभी आप रश देखें, सारी सूरत हाल देखें। तो उसके बाद से ये जो है दोबारा ब्रांड्स वापस आए हैं जी इधर, और दोबारा से रौनकें बहाल हुई हैं। तो ये सूरत हाल है यहाँ की। तो अभी यहाँ से ज़रा सा आगे चलते हैं, ये रश क्रॉस हो फिर लेफ्ट होते हैं, लेफ्ट होके पाकिस्तान टाउन, कोरम टाउन की एंट्रेंस आएगी, फिर वहाँ चलते हैं। अब चलिए मेरे साथ आगे। एक मोटरसाइकिल वाले को मैं रास्ता दे रहा कभी, और ये जी ये लेफ्ट रास्ता PWD के गेट से एंटर होके ये लेफ्ट रास्ता जाता है अंदर कोरम टाउन को। ये लेफ्ट भी जो है कमर्शियल है PWD का और कुछ पाकिस्तान टाउन का। ये राइट साइड में मेरे अगर आप देखें ना, यहाँ पे CDA का जुमा बाजार लगता है, ये सब सस्ता बाजार, जुमा बाजार CDA की तरफ से लगता है। तो ये रोड हम सीधी आ गए, तो ये देखें जी, यहाँ से राइट, ये जो मेहरान आ रही है गाड़ी, यहाँ से भी एक रास्ता आता है इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे से कोरम टाउन का रास्ता मेन, उसको भी यहाँ पे इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे से इंटरचेंज बन रहा है, लाइन बन रही है, उसका रास्ता खुला हो रहा है, वहाँ से भी आ सकते हैं। मैं आया हूँ PWD के रास्ते से। लेफ्ट साइड पर मेरे देखें ये पाकिस्तान टाउन, और ये सामने देखें आप, तो मैं पाकिस्तान टाउन फिर कभी आपको इंशाअल्लाह दिखाऊंगा, अभी आपको कोरम टाउन दिखाते हैं। इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक भी आ गया जी इधर, तो इसका भी ये स्टार्टिंग वाला कमर्शियल छा गया जी पाकिस्तान टाउन का, ये कुछ कमर्शियल है वहाँ तक, ये सारा पाकिस्तान टाउन का कमर्शियल एरिया है मेरे लेफ्ट साइड पर अगर आप देखें।
तो बात अभी पीडब्ल्यूडी की बात में करेंगे, उनके रेट्स बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी बात कर लेते हैं चल के जरा इस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी कोरंग टाउन इस्लामाबाद। ये देखें बोर्ड लगा हुआ है, अपर एंट्रेंस उसकी आ गया है, बैरियर उसका आ गया है, सिक्योरिटी उसकी अच्छी है। तो फेडरल एम्प्लॉय कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, यहाँ पे मैं एंटर हो जाता हूँ। देखें जी गाड़ियों की चेकिंग जारी है सारी है। ऐसे यहाँ पे अब टैंकर खड़ा है, पानी का मसला है नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे रहता भी रहा हूँ, अभी भी मेरे कुछ रिलेटिव्स यहाँ पे रहते हैं। संभव किसी गली में हो सकता है, किसी घर में हो सकता है, वरना बोरिंग में भी पानी है काफ़ी। तो कोरंग टाउन हम एंटर हो चुके हैं। कोरंग टाउन की आपने एंट्रेंस देखी, सरसब्ज खूबसूरत, रोड कंडीशन भी ठीक है। ये मेरे राइट साइड पे एक कमर्शियल है इसका, कोरंग टाउन का खासा रौनक भरा कोरंग टाउन का कमर्शियल है। ये देखें शॉप्स, रौनक, फार्मेसी, जनरल स्टोर, तंदूर, होटल, बेकरी भी है। लेफ्ट साइड पे भी है ये छोटा सा कमर्शियल, तंदूर, करियाना स्टोर, दही वाली शॉप। राइट साइड पे मेन कोरंग टाउन की मस्जिद, ये आप देखें मेन जामा मस्जिद कोरंग टाउन। तो ये जी स्ट्रीट व्यू कीजिए कोरंग टाउन, ये लेफ्ट साइड पे पार्क है, फैमिली पार्क है। ये है कोरंग टाउन की रोड्स, स्ट्रीट व्यू, घरों की सूरत हाल। और अब इसके रेट डिस्कस करते हैं, प्लॉट्स के साइज की बात करें जी। प्लॉट यहाँ पे हैं 6 मरले, 7 मरला, 8 मरले के भी कुछ हैं, 6, 7, 8, 12 और कुछ 14 मरले के भी हैं, और कनाल, इस तरह के कुछ प्लॉट साइज हैं। 97-98 की हाउसिंग सोसाइटी है, बड़ी पुरानी हाउसिंग सोसाइटी है, कोई मामूली हाउसिंग सोसाइटी नहीं है। रेट अभी आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये आप स्ट्रीट व्यू कीजिए, मैं रेट अभी आपको बताए चलता हूँ, नीचे लिखे हुए आएंगे रेट्स। तो मैं ये बता रहा था आपको प्लॉट साइज़ बताए हैं, फिर उसके अलावा जी अभी आपको रेट्स नीचे लिखे हुए आ रहे हैं, 6 मरले प्लॉट का क्या रेट है, डबल स्टोरी घर का क्या रेट है, नहीं, और सिमिलरली फिर 10-12 मरले का रेट, 7 मरले का रेट, कनाल का रेट, रेट्स आप चेक कर दीजिए, नीचे लिखे हुए आ रहे हैं। एक आगे एक और स्ट्रीट व्यू करते हैं और फिर वीडियो को एंड करते हैं। एक दो गलियाँ आपको और दिखाता हूँ, ये वही मेन रोड है जो PW उसकी मेन एंट्रेंस से चली आ रही थी। ये रोड दिखाते हैं बस, फिर एक दो गलियां देखते हैं, आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कोरंग टाउन की खूबसूरती का। और ये बात है, ये सूरत हाल है, ये आप देखें राइट साइड पे, ये कुछ एक मैंने इसकी मेरी चैनल पे वीडियो मौजूद है, ये कमर्शियल स्टार्ट हुए थे, ये वाला प्लाजा, ये स्टार्ट हुआ था, अब तो बंद भी गया है। 1.5 साल, 1.25 साल पहले मैंने वीडियो बनाई थी, इंस्टॉलमेंट वो मिल में मिल रहे थे, पर अब तो बहुत आगे चले गए हैं भाई, उनकी कीमतें बहुत आगे चली गई। तो ये देखें जी यहाँ पे लेफ्ट साइड पे सदीक अकबर जामा मस्जिद है, और इस राउंड अबाउट से हम थोड़ा सा आगे जाते हैं तो इसका एक सफारी ब्लॉक शुरू हो जाएगा। ये जो लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे आप देख रहे हैं स्ट्रीट्स, ये 14 मरले और कनाल के अरागरी के घर है और प्लॉट है। इससे ज़रा सा आगे राइट साइड से यहाँ से अगर हम जाएँ तो वो 7 मरले के आते हैं, इससे आगे राइट साइड अंदर जाएंगे जो स्ट्रीट नंबर 52, 44, 45 में, वरना लेफ्ट राइट अभी कनाल के हैं। और एक पार्क ये सामने भी है, फैमिली पार्क। तो यहाँ से अगर आगे मैं जाऊँ सीधा तो ये कोरंग टाउन सफारी ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। इसके इसका मार्केट देखें आप, शॉप्स देखें, अभी ऊपर अपार्टमेंट्स हैं, नीचे शॉप्स हैं। सिमिलरली ये लेफ्ट साइड पे देखें, ये सफारी ब्लॉक है, यहाँ पे 6 मरले के ज़्यादा प्लॉट है। और ये सामने ईडन मार्की है, शादी हाल है। अब ये उन्हीं का एक प्रोजेक्ट ये भी स्टार्ट है, फ्लैट प्लस नीचे शॉप्स इंस्टॉलमेंट, इसकी वीडियो भी मैंने बनानी है। तो मैं अब यहाँ से वापस लेता हूँ और ये आपको एक स्ट्रीट व्यू कराया है। यहाँ से आगे लेफ्ट साइड सर्विस स्टेशन वगैरह है, सामने अब्दुल कदीर स्कूल है, हॉस्टल है, बहुत बड़ा स्कूल है ये सामने, ये सामने जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं। तो
अब हम वापसी लेते हैं और साथ ही वापस होते ही आपसे इजाज़त भी लेते हैं। यू टर्न लिया मैंने तो ये लेफ्ट साइड पे स्ट्रीट नंबर 8 सफारी ब्लॉक कोरम टाउन एक्सटेंशन 6 मरला कैटेगरी के प्लॉट्स हैं। यहाँ पे 6 मरले के घर हैं, ये उसी की कमर्शियल जहाँ से आते हुए गए थे। अब ये वापसी का रास्ता है, इसकी मैं आप बात कर रहा था, इसकी ये बुकिंग शुकिंग वगैरह जारी है, इसकी मैं वीडियो बनाऊँगा। ये भी उसी उन्हीं का प्रोजेक्ट है इलान मार्केटिंग का जो पहले बने हैं। और ये कमर्शियल देख रहे हैं आप यहाँ पे ये राइट साइड पे ये पाकिस्तान टाउन की फेस वन की एंट्रेंस, ये गेट यहाँ से भी इन्होंने दिया हुआ है, कोरम टाउन पाकिस्तान टाउन साथ साथ हैं। तो रेट्स आपने देखे नीचे लिखे हुए आए हैं, इससे आपको अंदाज़ा होगा। फैसिलिटीज़ मैंने बताया सारी अवेलेबल है, बिजली पानी गैस सिक्योरिटी भी अच्छी है। स्ट्रीट आपने देखी, खूबसूरती आपने देखी, 92% ये बने हुए हैं घर ऑक्यूपाइड हैं, 7% प्लॉट्स अभी भी अवेलेबल हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपके मोहब्बतों का शुक्रिया, आपके प्यार का शुक्रिया। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ आती रहेगी, इन्फॉर्मेशन आपको घर बैठे मिलती रहेगी। दीजिए आतिफ शहजाद को इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।